नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी में। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू के रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको स्कोर कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है और बीएचयू में प्रेफरेंस फिलिंग के दौरान जो है वो मेल कैंडिडेट को भी यहां पर फीमेल के एफिलिएटेड कॉलेजेस यहां पर दिखाई दे रहे थे, जो कि यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो इन सभी मुद्दों पे मैं आपसे इस वीडियो में बातचीत करूंगा। शुरुआत करता हूं सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी ऐसा है कि सीयूईटी का स्कोर कार्ड, अगर हम प्रोफाइल अपडेट में जाएंगे तो वहां पे भी ऑप्शन नहीं है, और जब प्रोग्राम सिलेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दे रखा है सीयूईटी के स्कोर कार्ड को अपलोड करने का। तो कोई अपलोड करे तो करे कैसे यहां पे? तो देखिए, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम और सभी के साथ है, ए टू जेड सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जब ऐसा कोई केस होता है कि सभी के साथ जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। वो एक टेक्निकल इशू है, यूनिवर्सिटी के संज्ञान में बातें जैसे आएंगी वो इन चीजों को सही कर लेगा। बात ऐसी कि इन्होंने जो अपनी टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दिया है वो सारे बंद है, किसी पे कोई बात नहीं कर सकता है। तो हमको वेट करना होगा, फिलहाल अभी बहुत समय है, तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट डेट होती तो घबराते हम लोग, लेकिन कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी बहुत समय, 12 अगस्त तक बहुत समय होता है। तो बिल्कुल ना घबराएं, अपना जो है वो आपने प्रोफाइल अपडेट का जो काम पूरा कर लिया वो पूरा हो चुका, उससे निश्चिंत रहें। प्रोग्राम सिलेक्शन, ये कोर्स सिलेक्शन और फी पेमेंट का 12 अगस्त तक लास्ट डेट है। तो पहली बात, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सबकी प्रॉब्लम है, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है। अगर मैं यहां पर बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू की प्रॉब्लम अब यहां पर सॉल्व हो चुकी है। जैसे ये एक मेल कैंडिडेट का है, और अगर आप यहां पर फिल्टर में देखोगे तो यहां पर सिर्फ आपको जो है वो जो मेन जो आपके मेल वाले हैं सिर्फ वही यहां पर दिखाएगा। मतलब मेल के लिए जो है वो आपका एक तो ये मेन कैंपस हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एक आरजीएससी हो गया, एक डीएवी हो गया, वही शो कर रहा। तो ये सही हो गई, ये वाली प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो चुकी है। इनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि आपकी सब्जेक्ट मैपिंग वाली जो बातें थी, तो सब्जेक्ट मैपिंग को लेके इनको इनके पोर्टल में कहीं शो ही नहीं कर रहा, तो हम काहे के लिए लोड लें? जब हमको कहीं पर शो ही नहीं कर रहा है सब्जेक्ट मैपिंग, तो हमको परेशान क्यों होना है? उसके लिए छोड़ दीजिए, नोटिस में बात थी उसको स्किप कर देते हैं। दूसरी चीज, यहां पर इस बार लैंग्वेज के मार्क्स को यहां पर पूरा जोड़ा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान दीजिए, जो 50% वाली पिछले साल तक की बातें थी वो नहीं है, लैंग्वेज और जीटी के मार्क्स को पूरा जोड़ा जाएगा। ये कोई समस्या नहीं है, ये तो मेरिट बनाने का तरीका है, बन सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। 50 जोड़े, डबल कर दें, 100 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इन्होंने यहां पर जो पूरा जो है वो लैंग्वेज का मार्क्स लेके पूरा जीटी यहां जोड़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। तो बीएचयू की प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो चुकी है, प्रेफरेंसेस आप यहां पर भर सकते हैं, प्रेफरेंस भरने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेफरेंसेस जो वो आराम से भरे जा सकते हैं। प्रेफरेंस कैसे भरना है उसका वीडियो आपको दिया जा चुका है, आपको प्रोसेस भी समझाया गया, और कोर्स वाइज हम अलग अलग वीडियोस में बातचीत करेंगे बीए बीएससी के लिए कैसे यहां पर बेस्ट प्रेफरेंस जो है वो बनाना चाहिए, ठीक है? तो उसकी बातचीत हम लोग करेंगे, तो फिर चीजें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप जो है वो आराम से उन सेशंस के थ्रू अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे और आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको चैनल पे दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।